लास्ट क्लास में हमने किसी भी ट्रायंगल का जो कि कार्टेशियन प्लेन पर लाई कर रहा है उसका एरिया निकालना सीख लिया था। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना लिया था। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसके अगर हमें कोऑर्डिनेट पता है एक्स वन वाई वन, सपोज करिए ए का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स थ्री वाई थ्री, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? तो हमने कहा अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट पता है तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल रहा होगा किसके, वन अपॉन टू एक्स वन ब्रैकेट में क्या वाई टू माइनस वाई थ्री, इसके बाद प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, इसके बाद प्लस एक्स थ्री एंड वाई वन माइनस वाई टू। ये हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में ड्राइव किया था और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। ठीक है, अब इससे आगे की बात करिए। ठीक है, चलिए तो देखो, सपोज करो अगर आपको कभी भी कोई ट्रायंगल बनाना हो तो आपको कितने पॉइंट यूज करने होते हैं, तो आपको तीन पॉइंट यूज करेंगे। किसी भी ट्रायंगल के पास क्या होती हैं, तीन वर्टिसेस, तो इन तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक एरिया आ जाता है। तो इसमें मेरे पास जो बी और सी हैं पॉइंट, ये मैंने माने कि ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, बी सी क्या है एक ही लाइन पर है और ए पॉइंट इससे अलग है, तो जब मैं ए को बी से और ए को सी से ज्वाइन करता हूँ तो ये एक ट्रायंगल बन के तैयार हो जाता है ए बी सी। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया कि ये जो बी सी वाला पॉइंट है, बी सी वाली जो लाइन है, इसको तो ऐसे ही रखा, इसको मैंने ऐसे ही रखा, ये जो पॉइंट ए इतने ऊपर था इसको थोड़ा नीचे लेकर आ गया, यहाँ पर कहीं इतना, ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा नीचे लेकर आ गया, फिर मैंने ज्वाइन किया तो फिर से बन के क्या तैयार हुआ, एक ट्रायंगल। फिर से मैंने बी सी लाइन को तो ऐसे ही रखा और इस ए पॉइंट को थोड़ा और नीचे लेकर आ गया, यहाँ पर लेकर आ गया ऐसे, और इसको ज्वाइन किया ये। ठीक है, फिर से मैंने बी सी लाइन को ऐसे ही रखा और ए पॉइंट को और नीचे लेकर आ गया, सच दैट कि ए पॉइंट अब कहाँ पर लाई करने लग गया, इसी लाइन बी सी पर लाई करने लग गया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कुछ एरिया था, ये वाला जो एरिया है ये इससे ग्रेटर है, या मैं कहूँ कि ये वाला एरिया छोटा है किससे, इससे, है ना। जब ए पॉइंट को मैं नीचे लेकर चला जाता हूँ तो ये जो ट्रायंगल बन के तैयार होता है इसका एरिया इससे कम है, इस पॉइंट ए को थोड़ा और नीचे लाया मैं तो अब जो ट्रायंगल बन के तैयार हुआ उसका एरिया इससे कम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब एरिया कम होता चला जा रहा है, जैसे जैसे ए पॉइंट बी सी लाइन की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे ये एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो कम होते 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 कितना कम हो जाएगा, तो आंसर है कि ये कम होते 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 ए पॉइंट जब यहां पर आ जाएगा तो वहां पर एरिया कितना रह जाएगा, जीरो। एरिया कितना रह गया, आप देख रहे हो यहां पर कुछ एरिया है, ये वाला पार्ट, यहां पर कुछ एरिया है, यहां कुछ एरिया है, यहां कुछ भी एरिया नहीं है, तो यहां पर एरिया की वैल्यू कैसी हो चुकी है, तो आंसर है एरिया की वैल्यू जीरो हो चुकी है। और ये एरिया की वैल्यू जीरो कब हुई, जब पॉइंट ए कहां पर लाई करने लग गया, बी सी पर लाई करने लग गया। ठीक है ना, ये बात आई आपको समझ में, तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये तीन पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट। कैसे पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। ये आपके सामने बोर्ड पर कैसे पॉइंट बने हुए हैं, कोलिनियर पॉइंट सही है। ठीक है ना, और कोलिनियर पॉइंट्स के केस में हमने देखा कि जब भी तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं तो उनका एरिया कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास तीन पॉइंट से मिलकर एक ट्रायंगल बनता है और अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएं तो उस ट्रायंगल का, उनसे जो मिलकर ट्रायंगल बनता होगा उसका एरिया कितना होता होगा, जीरो, है ना, बिल्कुल कितना हो जाता होगा, जीरो हो जाता होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर ये तीनों पॉइंट कैसे हो जाएं कोलिनियर, मतलब ये ए पॉइंट कहां पर लाई करने लग जाए, यहां पर, तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल का एरिया कम होते 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 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। तो मैंने यही किया, इनके जो एरिया है इनका जीरो कर दिया, क्योंकि ये तीनों पॉइंट मैंने क्या मान लिए, कैसे हैं, कोलिनियर। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, लिखना होगा मुझे फॉर कोलिनियर, फॉर कोलिनियर एरिया कितना होता है, जीरो।
अगर एरिया जीरो होता है तो यहाँ पर एरिया की जगह क्या लिख लो, जीरो। अब ये टू कहाँ चला जाएगा, जीरो में, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ये तो इसका मतलब ये कोलिनियर की कंडीशन आ गई आपके पास, ठीक है ना। जैसे ही आप एरिया को, क्योंकि आपको पता है कि जब भी तीन पॉइंट कोलिनियर गिवन होंगे, जैसे ये क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनका एरिया किसके इक्वल रख दिया मैंने, जीरो के, ये एरिया वाले फॉर्मूले में, और टू कहाँ आ गया, मल्टीप्लाई में, तो टू इंटू जीरो करेंगे तो कितना हो गया, जीरो। तो यानी कि जब भी कोलिनियर वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना। ये बात आ गई आपको समझ में, ठीक। अब आप क्या करो, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लो। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये x3 है और ये y3। ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, हो जाएगी बड़े आसानी से। कैसे करोगे, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, जीरो इक्वल्स टू x1 कितना है, सेवन, y2 कितना है, वन, y3 कितना है, k, प्लस एक्स टू कितना है, फाइव, देख देख के बस पुट करते जाओ, वाई थ्री कितना है, के, माइनस वाई वन कितना है, माइनस टू, ठीक है, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री कितना, थ्री, वाई वन माइनस टू, माइनस वाई टू वन, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा सेवन। सेवन का मल्टीप्लाई कराओ तो कितना बनेगा, चलिए अभी फिलहाल के लिए ऐसे रहने दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, फाइव, ये के ऐसे ही ठीक है, माइनस माइनस प्लस टू, अच्छा प्लस थ्री ऐसे ही ठीक है, और ये माइनस टू और माइनस वन, माइनस थ्री, ओके ये आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व कर दो। तो देखो सेवन का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे सेवन, सेवन का यहाँ कराओगे तो सेवन के, प्लस फाइव का यहाँ कराओगे तो फाइव के, फाइव का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो टेन, और प्लस थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू माइनस थ्री, ये कितना आ जाएगा, माइनस नाइन, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लो, तो सॉल्व जब करोगे तो कितना बनेगा, प्लस का फाइव के माइनस का सेवन के, कितना आएगा, माइनस का टू के, अच्छा टेन में से नाइन गया तो वन, वन और सेवन मिलकर कितना, प्लस का एट, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, जीरो। अब ये टू के इधर माइनस का है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो 2k इक्वल्स टू कितना आ गया, 8, ठीक है ना, और 2 से डिवाइड करा दो 8 को, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है या नहीं। तो अभी आपने इसमें क्या समझ लिया, कि अगर ये वाला जो ट्रायंगल है ABC, इसका एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, एरिया इक्वल्स टू ये होता है 1/2 ऐसे, लेकिन अगर ये पॉइंट A यहाँ से नीचे लाया जाए, कम करते करते अगर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये B, A और C, ये तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट, और उस केस में इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा। तो वहाँ पर एरिया की जगह जीरो लिखोगे, टू जीरो में चला जाएगा। तो ये कंडीशन बनी कब, जब तीनों पॉइंट कैसे हों, कोलिनियर। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो आपको K की वैल्यू निकालनी थी, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर की कंडीशन में पुट किए, K का आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है। इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट देखिए, बिल्कुल आसान रहेगा। कैसे, ये x1 y1 सबसे पहले लिख लो, ये x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है, फॉर कोलिनियर, फॉर कोलिनियर, कोलिनियर के केस में एरिया क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो एरिया को जब जीरो कर देंगे तो हमारा जो 1/2 होता है उसका 2 भी जीरो में चला जाता है, तो हमारा एरिया का जो फॉर्मूला कितना, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये कंडीशन आप याद कर लो कोलिनियर की, है ना, इधर जीरो रहेगा, 1/2 कहाँ जा चुका है, जीरो में जा चुका है, एरिया की जगह जीरो लिखा जाएगा, ठीक है। ये अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो जीरो, एक्स वन देख देख कर लिखते जाओ, एक्स वन एट है, वाई टू कितना है देख लो, माइनस फोर है, माइनस वाई थ्री कितना है, माइनस फाइव, या माइनस फाइव लिख लो,
ठीक है ना, प्लस एक्स टू कितना है के, वाई थ्री कितना है माइनस फाइव, माइनस वाई वन कितना है वन, प्लस एक्स थ्री कितना है टू, वाई वन कितना है वन, माइनस वाई टू कितना है माइनस फोर, ठीक है ना, इस तरह से ये लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर दो तो एट माइनस फोर और माइनस माइनस प्लस फाइव ऐसा आ जाएगा, के ऐसे ही ठीक है। माइनस फाइव और माइनस वन कितना माइनस का सिक्स, ठीक है। प्लस टू ऐसे ही ठीक है, वन और माइनस माइनस प्लस फोर ऐसा आ गया। इसको आगे सॉल्व करो, एट इन टू फाइव में से फोर माइनस करोगे तो कितना बचेगा वन बच्चा, माइनस और प्लस माइनस के इंटू सिक्स कितना सिक्स के, अच्छा प्लस फोर और वन फाइव, फाइव इंटू टू टेन, ये आ गया ठीक है। अब आगे सॉल्व कर दो, एट वन जा एट, एट और टेन एटीन, और माइनस में सिक्स के चल रहा है, सिक्स के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और सिक्स से इसको डिवाइड करा दो तो 18 अपॉन 6, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ये तो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपको दिया होता है, इस कंडीशन में पुट करो कोलिनियर की कंडीशन में, और वहाँ से k की वैल्यू निकल कर आ जाती है, बिल्कुल आसान। देखिए इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, सबसे पहले तो आप क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो, ये है कोई ट्रायंगल, सपोज कर लो ए बी सी, ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो पहले वर्टिसेस हमें क्या गिवन है, 0 and -1, दूसरी वर्टिसेस हमें क्या गिवन है 2 and 1, जैसे ऑर्डर में दिया हुआ है वैसे वैसे ऑर्डर में लिख लो 0 and 3, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, इस ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा, टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। ओके, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल की साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं उन मिड पॉइंट को जॉइन करके जो एरिया आएगा, जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया, और ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसका एरिया का आपको रेशियो निकालना है। मतलब जैसे सपोज करो ए बी वाली साइड का मिड पॉइंट है डी, बी सी वाली साइड का मिड पॉइंट है सपोज करो ई, और ए सी वाली साइड का मिड पॉइंट है सपोज करो एफ, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है। अब इनको अगर मैं ज्वाइन करा दूं तो ज्वाइन कराने पर क्या होगा, एक ट्रायंगल बनके तैयार हो जाएगा डी ई एफ। ये जो ट्रायंगल बनके तैयार हुआ है डी ई एफ, इस ट्रायंगल का आपको रेशियो चाहिए एरिया का, किसके साथ, ट्रायंगल ए बी सी के एरिया के साथ। तो एरिया डी ई एफ अपॉन क्या निकालना है आपको, एरिया ए बी सी, ठीक है। ए बी सी का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके हमें कोऑर्डिनेट पता हैं, लेकिन डी ई एफ का एरिया अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके अभी कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है। तो पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट निकालना बिल्कुल आसान है, कैसे, डी क्या है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या है डी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है आपको, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, अच्छा। और वाई निकालने का तरीका क्या है, वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो यहाँ से हमें डी पॉइंट मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 0 + 2/2, 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा 1, और -1 और +1 0, 0 / 2 कितना आएगा 0, यहाँ से हमें डी पॉइंट मिल गया, ठीक है। इसी तरह से आप निकाल लो मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट निकाल लो, बी सी का मिड पॉइंट कौन है ई, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, मिड पॉइंट निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, अच्छा फिर वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, मिड पॉइंट निकालना आप लास्ट क्लास में सीख के आ चुके हो, है ना। तो ये फॉर्मूले लगा दिए, इससे हमारे पास
ई पॉइंट क्या निकल कर आएगा बताइए। तो ई पॉइंट आएगा 2 प्लस 0 2, 2 अपॉन 2 कितना 1, फिर 1 प्लस 3 4, 4 अपॉन 2 कितना 2, ये आ गया हमारे पास ई पॉइंट। ठीक है, अब एफ पॉइंट निकाल लो। तो एफ पॉइंट किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, तो यहाँ पर लिख लो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या है, एफ। ठीक है, तो ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू प्लस वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू निकाल लो, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, ठीक है ना, एंड वाई कैसे निकालोगे, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कौन सा पॉइंट, एफ। क्या मिलेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, कॉमा ये कितना बनेगा, थ्री में से बन गया टू, और टू अपॉन टू कितना वन। तो अब आपके पास डी ई एफ तीनों पॉइंट आ चुके हैं, फिर इन डी ई एफ पॉइंट को यहाँ पर लिख लो वन जीरो। ई पॉइंट हमारे पास कितना आया वन टू, एफ पॉइंट हमारे पास कितना आया जीरो वन। अब हम इस डी ई एफ ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो ठीक है, पहले डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर उन दोनों का रेशियो निकाल देंगे। ठीक है ना, ये हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल डी ई एफ डी ई एफ, इनके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 10 12, डी है 10, ई है कितना 12, और एफ है कितना 01। ठीक है ना, डी ई एफ तीनों कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए। ओके, इसका एरिया निकालिए, कैसे निकालोगे, इसको लिख लो एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू, इसको एक्स थ्री वाई थ्री। ठीक है ना, ऐसे लिख लो, फिर इसके बाद इसका एरिया निकाल लो। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है एरिया निकालने के लिए। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है ना, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए क्या बनेगा, वन अपॉन टू, एक्स वन कितना है वन, ठीक है, वाई टू कितना है टू माइनस वाई थ्री कितना है वन प्लस एक्स टू कितना है वन, वाई थ्री कितना है वन, वाई वन कितना है जीरो, ठीक है, प्लस एक्स थ्री कितना है जीरो, वाई वन कितना है जीरो माइनस वाई टू कितना है टू। ये आप यहाँ से देख देख कर लिखते रहिए, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद वन अपॉन टू ऐसी, ठीक है, टू में से वन माइनस करेंगे तो वन आएगा, वन का मल्टीप्लाई वन में कराएंगे वन, प्लस वन का मल्टीप्लाई वन में कराएंगे तो कितना आएगा वन, है ना, ये, और ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सब जीरो हो गया, ये बच गया हमारे पास। इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो टू, वन और वन मिलकर कितना टू, और बाहर क्या चल रहा था पहले से, वन अपॉन टू, है ना, वन और वन ये टू आया, तो टू से टू कैंसिल, तो आंसर कितना आया वन स्क्वायर यूनिट। इतना एरिया आएगा जो मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा उसका, वन स्क्वायर यूनिट। ये एक आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर में हमें क्या निकालना है, दूसरे आंसर में हमें क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे, फिर उसके साथ इसका रेशियो देखेंगे। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लीजिए। अब हम एरिया निकाल रहे हैं ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है, तो एबीसी के कोऑर्डिनेट क्या क्या थे वो यहाँ से नोट कर लो। एबीसी के कोऑर्डिनेट थे 0 माइनस 1 2 1 एंड 0 3 0 माइनस 1 2 1 एंड 0 3 ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ठीक है ना, 0 माइनस 1 2 1 एंड 0 3, ठीक है, ये एबीसी लिख लिया मैंने। अब इसका एरिया निकालिए, तो इसके लिए ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2 और ये होगा x3 y3, ठीक है, ऐसे लिख लो। अब क्या करोगे, एरिया का फॉर्मूला लिखोगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 2, बार बार फॉर्मूला लिखो जिससे फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है ना, y2 माइनस y3
प्लस एक्स टू, वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री, वाई वन माइनस वाई टू, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो यहाँ से देख देख के। तो वन अपॉन टू, एक्स वन कितना है जीरो, वाई टू कितना है वन, माइनस वाई थ्री कितना है थ्री, ठीक है, प्लस एक्स टू देखिए कितना है टू, वाई थ्री थ्री, माइनस वाई वन माइनस का वन, तो ये लिख दिया माइनस का वन, प्लस एक्स थ्री जीरो, वाई वन माइनस वन, माइनस वाई टू वन, ये ठीक है ना। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये सब जीरो हो गया, यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये सब जीरो हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा टू और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो थ्री और वन मिलकर कितना फोर, ये ठीक है। अब इस टू से ये टू कैंसिल, तो आंसर कितना बचा फोर स्क्वायर यूनिट। ये आपका जो एरिया निकल कर आया वो किसका एरिया निकल कर आया था, ये एरिया जो आया था ये था डी ई एफ का एरिया, ठीक है, और ये जो एरिया आया है एरिया, ये किसका एरिया निकल कर आया है ए बी सी का एरिया। अब आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, आपको चाहिए रेशियो, किस किस का, एरिया डी ई एफ का रेशियो किस से, एरिया ए बी सी से, ठीक है। तो एरिया डी ई एफ का आंसर हमारा कितना आया था वन, तो यहाँ पर लिख लो वन, और ए बी सी का एरिया का आंसर कितना आया था फोर, तो ये आ गया फोर। तो इन दोनों के रेशियो का आंसर कितना आएगा वन रेशियो फोर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना था क्वेश्चन में, कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसकी वर्टिसेस ये और ये है, आपको क्या करना है, इनके जो मिड पॉइंट होंगे, इनकी साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं उनको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो इनकी साइड्स को ज्वाइन हमने कर लिया, एक ट्रायंगल बन गया डी ई एफ, फिर डी मिड पॉइंट था, ई मिड पॉइंट था, एफ मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पहले तो हमने इनके कोऑर्डिनेट पता कर लिए। अब डी ई एफ के हमें कोऑर्डिनेट पता चल गए, तो डी ई एफ के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ लिख लिए और इसका एरिया निकाल दिया डी ई एफ का, कितना आया वन स्क्वायर यूनिट, ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक। फिर उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि आपको इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा उसका रेशियो बताना है किसके साथ, ए बी सी ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ये कितना आया फोर, और फिर उसका क्या लिख दिया रेशियो, ये इसका आंसर बन गया, बिल्कुल आसान, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर है फोर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर दिस दिस दिस। ओके, देखिए सुनिए ध्यान से, पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने, सपोज करिए ए बी सी और डी, ठीक है ना, ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें ये मैंने ए मान लिया, ए मुझे ऑर्डर में लिखना है, तो ए मेरे पास कितना है माइनस फोर माइनस टू, ठीक है, बी हमारे पास कितना है माइनस थ्री माइनस फाइव, ऑर्डर में लिखना है, फिर सी कितना है थ्री एंड माइनस टू, और डी कितना है टू एंड थ्री, ए बी सी डी, ये हमने क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट भी लिख दिए, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करो, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करो, ए से लेकर सी तक ज्वाइन कर दो, एक कोई डायगोनल बना लो, चाहो तो आप ए सी बना लो, चाहो तो आप बी डी बना लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो मैंने ए से सी तक ये खींच दिया। अब मैं क्या करूँगा, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँगा, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँगा, फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों निकाल कर इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो इससे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, तो ठीक है, ए बी सी का एरिया निकालने के लिए ए का कोऑर्डिनेट लिख लो, क्या है माइनस फोर माइनस टू, ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट लिख लो कितना माइनस थ्री माइनस फाइव, सी का कोऑर्डिनेट लिख लो कितना थ्री माइनस टू, ठीक है। ये तीनों कोऑर्डिनेट लिखने के बाद इनके नीचे लिख लो एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, ऐसे लिखोगे, बिल्कुल आसान है।
अब इसके बाद कौन सा फॉर्मूला लिखोगे बताओ? एरिया। आप क्या निकालने जा रहे हो? एरिया निकालने जा रहे हो किसका? ए बी सी का। ठीक है, निकाल लो। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगा के 1/2 क्या होता है फॉर्मूला बताओ मुझे? x3 प्लस x2 क्या होता है? y3 - y1, फिर x3, और फिर क्या होता है? y1 - y2। ये फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर सामने आ जाएगा। अभी 1/2 x1 कितना? -4। ठीक है, y2 -5, -y3 -2, तो वो -2 यहाँ पर लिखोगे तो वो प्लस का 2 बना देगा, इसे डायरेक्टली लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस x2 - 3, तो यहाँ -3 लिख लो। ठीक है, y3 - 2, -y1 कितना है? -2, तो वो इसे प्लस का 2 बना देगा। ठीक है, प्लस x3 3, y1 - 2, -y2 - 5, वो -5 यहाँ लिखोगे तो इसे प्लस का बना देगा ऐसे। ठीक है ना, जब भी ऐसे यहाँ पर माइनस लिखा हो फिर -2 लिखने वाले हो तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। ऐसे यहाँ माइनस पहले से चल रहा है, अब यहाँ -5 ला कर लिखोगे तो माइनस माइनस क्या बना देगा? प्लस। तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करना तो बिल्कुल आसान है। 1/2 -4 * ये -5 + 2 कितना आएगा? -3। ठीक है ना, प्लस। अच्छा, प्लस और माइनस, ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस लिख लो 3। अच्छा, ये कितना हो गया? 0 हो गया। -2 + 2 कितना हो गया? 0। ठीक है, प्लस 3, 5 में से 2 माइनस करोगे तो इन 2 में क्या आएगा? 3 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है ना, इक्वल्स टू। इसको सॉल्व करो तो 1/2 ऐसे ही, ठीक है, इन 2। -4 और -3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? प्लस का 12, और 3 * 3 कितना? 9। तो 12 यहाँ पर और 9 यहाँ पर, बताइए कितना बना? 21 है ना, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे? 21। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आया? 21/2, इतना स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर आ जाएगा। 3 * 3 9, और ये 12, 9 और 12 मिलकर कितना? 21, और अपॉन में 2 चल रहा है तो ये 21/2 इसका आंसर आ गया। किसका आंसर आया? 21/2 इस ट्राइंगल का एरिया आया, इतना स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। किसका? ए डी सी का। इसका एरिया निकाल लो, तो ये निकाल लेंगे बिल्कुल आसानी से। पहले हम इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? -4 - 2। फिर डी का कोऑर्डिनेट कितना है? 2 3। फिर सी का कोऑर्डिनेट कितना है? सी का कोऑर्डिनेट है 3 - -2, 3 - 2। ठीक है, फिर इनके नीचे लिख लो x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ऐसे लिख लो। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद तो बिल्कुल आसान हो गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम एरिया निकालने जा रहे हैं। किसका? ए डी सी का। कैसे निकालें? तो आंसर है, फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला क्या है? x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फॉर्मूला हुआ करता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, 1/2 x1 कितना है? -4। ठीक है, y2 3, -y3 - 2 है तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, प्लस। अब आ जाओ दूसरा पर, x2 कितना है? 2। y3 कितना है? -2। माइनस y1 कितना है? -2, तो वो -2 यहाँ लाकर लिखोगे तो प्लस का 2 बना देगा इसे। ठीक है, प्लस x3 कितना है? 3। अच्छा, y1 कितना है? -2। माइनस y2 कितना है? 3। ठीक है, ठीक है, ऐसे सब जगह वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। देखो कैसे करोगे। 1/2 -4 * 3 और 2 5 यहाँ लिख लो। ठीक है ना, अब ये -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 * 2 कराओगे तो ये तो 0 बन गया। अब क्या बच गया हमारे पास? +3। अच्छा, -2 और -3 मिलकर कितना? -5।
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो 1/2 कितना बनेगा, ये -4 × 5 -20 और -3 × 3 × -5 कितना, माइनस का क्या 15 ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इनको सॉल्व कर लो, आगे ऐड कर लो तो कितना बनेगा, 1/2 और -20 और -15 मिलकर कितना, माइनस का 35 इतना, और माइनस का 35 आया ना अंदर ये। अब देखो एरिया का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब ये -35 कैसा लिख लोगे आप, प्लस का, तो कितना बन जाएगा, प्लस का 35/2 ये इतना स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। तो अगर आपका एरिया का आंसर कभी भी नेगेटिव बन रहा हो तो उसको इस ब्रैकेट से बाहर लाकर लिखोगे तो वो कैसा बन जाएगा, प्लस का, और आप चाहो तो वहां पर लिख सकते हो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर इट मे बी इट इज इक्वल्स टू +35 और अपॉन में क्या 2, तो ये आपका इसका आंसर बन गया 35/2। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, मतलब इन दोनों को ऐड करा दो तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल, तो 21/2 +35/2 इनको प्लस करा लो तो 21 और 35 ऐड कराओगे तो ये कितना बनेगा, ये बनाएगा हमारे पास 56/2 और 2 से इसको डिवाइड कराओगे तो कितना बनेगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 16 कितना स्क्वायर यूनिट, 28 स्क्वायर यूनिट इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया रहा होगा। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ए बी सी डी, उनके कोऑर्डिनेट लिख लो ऑर्डर में, ठीक है, फिर इसके बाद ए बी सी का एरिया निकाल लो, ए डी सी का एरिया निकाल लो और फिर उन दोनों के एरिया निकाल कर ऐड करा दो। ऐड कराने पर आपका आंसर कितना बन जाएगा, 28 स्क्वायर यूनिट, बिल्कुल आसान है। देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर है 5th। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड इंटू 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। यस, ये हमने क्लास 9th में पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, सपोज करिए ट्राइंगल का नाम मैंने रखा ए बी सी, अगर ये कोई ट्राइंगल ए बी सी है और मैंने यहाँ पर एक मीडियन बनाया ए डी, तो ये जो मीडियन है ए डी ये इस ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा और उन दोनों ट्राइंगल के एरिया आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि कोई भी मीडियन किसी ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। अब हमें यहाँ पर ये जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ड्राइव किया है, इसकी हेल्प से इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये वाली जो थ्योरम है वो करेक्ट है। तो ठीक है, करके दिखा देंगे कैसे। हमें ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 4 - 6, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 3 - 2 एंड सी के कोऑर्डिनेट गिवन है 5 - 2। ठीक है, हमने यहाँ पर एक मीडियन बना लिया है ए डी, मीडियन बनाया है इस बात का मतलब ये हो गया कि डी मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो इस डी के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं कैसे। ठीक है, निकालिए सबसे पहले तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी, से हमारे पास d कितना आएगा, सॉल्व करो 3/2 कितना 4 और -+2 0, 0/2 0, तो इसका मतलब है वो क्या है 0। ठीक है, d के कोऑर्डिनेट भी पता कर लिए। अब आप क्या करोगे, अब आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो मीडियन ये इस ट्रायंगल AC को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, मतलब हमें ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि AC और ट्राइंगल एरिया आपस में कैसा इक्वल है। ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हम एबी का एरिया निकाल और अगर उनके आंसर इक्वल आ गए तो हम कह देंगे ये प्रूफ हो गया। ठीक, एबीडी का एरिया निकालने के लिए
फोर जीरो, ठीक है, ए बी डी लिख लिया। अगला एरिया, एरिया ए बी डी, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वन अपॉन टू, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स वन वन और क्या आएगा, वाई टू माइनस वाई प्लस एक्स, फिर क्या आता है, वाई माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री याद हो गया। ये x1, y1, x2, y2, x3, y3 यहाँ पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। x1 कितना है 4, y2 कितना है माइनस टू, y2 माइनस टू है माइनस, y3 कितना है 0, ठीक है, प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है 0 माइनस, y1 कितना है y1 माइनस 6, तो वो इसे प्लस बना देगा, प्लस x3 कितना है 4, y1 कितना है माइनस सिक्स माइनस, वाई टू कितना है माइनस टू, तो यहाँ माइनस पहले से लिखा है, ये माइनस टू आएगा तो इसे प्लस का टू बना देगा ऐसा, ठीक है। एक इसके आगे सॉल्व कर लो, तो वन अपॉन टू, ये तो माइनस टू हो गया, माइनस टू इंटू टू माइनस एट, ये कितना हो गया सिक्स, जीरो प्लस सिक्स सिक्स और सिक्स इंटू थ्री एटीन। अच्छा अब माइनस सिक्स और प्लस टू कितना, माइनस फोर, माइनस फोर का फोर से मल्टीप्लाई बताओ, तो प्लस का टू आएगा, तो माइनस का एट और प्लस का टू, माइनस का एट और प्लस का टू कितना आंसर आएगा, माइनस का सिक्स, है ना, और टू से इसको कैंसिल कर दो तो कितना आंसर आएगा, माइनस का थ्री, ये आंसर आया। अब क्योंकि आपको पता है एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैसी लेंगे, पॉजिटिव, तो इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, वहाँ लिख देना एरिया कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर वी टेक पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पर थ्री आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये एक आंसर निकला इसका, ए बी डी का, इसका आंसर कितना आया है, थ्री स्क्वायर यूनिट। अब आप इसका एरिया निकालो और ये भी निकाल कर दिखाओ कि ये भी थ्री आता होगा, तो अब हमें किसका एरिया निकालना है, ए सी डी का एरिया, ठीक है, तो इन तीनों के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ मैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं 4 माइनस 6, सी के कोऑर्डिनेट हैं 5 2 5 2 और डी, ए सी डी का एरिया निकालना है ना, तो डी के कोऑर्डिनेट हैं 4 0, ठीक है, डी है 4 0, यहाँ लिख लो एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर्मूला लिख लो एरिया का, तो एरिया हम किसका निकाल रहे हैं, ए सी डी का, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, वन अपॉन टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू, क्या होएगा यहाँ पर, वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री, क्या आएगा, वाई वन माइनस वाई टू, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करो और आंसर थ्री आना चाहिए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, तो ठीक है, रख के देख लेते हैं। वन अपॉन टू एक्स वन, एक्स वन कितना है 4, वाई टू कितना है 2, वाई थ्री कितना है 0 प्लस एक्स टू 5, बस देख देख के वैल्यू पुट करते जाओ, वाई थ्री 0, वाई वन माइनस 6 है, यहाँ पहले से माइनस लिखा है तो प्लस 6 बन गया, प्लस एक्स थ्री 4, वाई वन माइनस 6 माइनस वाई टू 2, ठीक है, सॉल्व करो, 1 अपॉन 2 4, अच्छा ये तो 2 बना ना, तो 2 इंटू 4 कितना 8, प्लस 5 इंटू ये 6 बन जाएगा, तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई करा लो 30, अच्छा माइनस 6 और माइनस 2 कितना, माइनस का 8, माइनस 8 का मल्टीप्लाई 4 में कराओ तो ये कितना बनेगा, माइनस का 32, ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लो, तो 1 अपॉन 2, अब 30 में से 32 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा,
है ना ये, और इसको आगे सॉल्व कर लो तो 8 में से 2 गया तो 6, और अपॉन में क्या चल रहा है 2, 2 से ये कैंसिल करा दो 3 टाइम, तो आंसर कितना आया 3 स्क्वायर यूनिट। तो जब हमने एसीडी का एरिया निकाला तो इसका आंसर भी 3 स्क्वायर यूनिट आया, तो ये हमने यहाँ लिख लिया कि इसका आंसर भी 3 स्क्वायर यूनिट आया। तो इसका मतलब ये है कि जो मीडियन होता है वो दो किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। ये यहाँ से वेरीफाई हो गया, पहले एरिया निकाल लो ए बी डी का तो ये कोऑर्डिनेट ले लो, फिर ए सी डी का निकाल लो तो ये कोऑर्डिनेट ले लो, और दोनों के आंसर कितने आ जाएंगे 3 स्क्वायर यूनिट, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना।